दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नीदरलैंड 11 वर्सेस स्वीडन के बीच होने वाले आज के आखिरी तीन मैच के बारे में। सबसे पहले बात करें अपने रनिंग ऑप्शन, तो नंबर वन प्लेयर मेरा रिस्की प्लेयर रहेगा जिसका नाम जैद जाहिद। बहुत कम लोग ले रहे हैं लेकिन हाँ, बॉलिंग से भी आपको एक से दो ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा, बल्लेबाजी में भी आपको पांचवें नंबर करीब नजर आ जाएगा। यानी कि आपको बल्लेबाजी नहीं तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस करके चला जाएगा। पहले मैच में भले ही फ्लॉप हुआ लेकिन दूसरे मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आया हुआ है। उसके बाद देखो आर क्लेन बहुत सारे लोग ले रहे हैं लेकिन बल्लेबाजी में कहां पे आ रहा है, पांचवें नंबर करीब। अब बॉलिंग से एक भी ओवर नहीं कर रहा है, यही रीजन है कि मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूं। मैं यहां से लेकर के चलूंगा सहजेब चौधरी को, जो कि आपको दो ओवर बॉलिंग भी पूरा कर रहा है और बल्लेबाजी में भी आपको सेवन नंबर करीब नजर आ जा रहा है। यानी कि एज ऑलराउंडर आपके लिए काफी अच्छा प्लेयर रहने वाला है। उसके बाद मेरा पहला रिस्की प्लेयर रहेगा जिसका नाम आपको यहां से बल्लेबाजी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिसका नाम यहां से बी गोडली। बहुत कम लोग ले रहे हैं लेकिन आखिरी के जो इसने 9 मैचेस खेला हुआ है वहां पर इसका जो एवरेज है वो आपको 31 के करीब का देखने को मिलेगा, वो भी तीन के मैचेस में। यानी कि बल्लेबाजी से जिस तरीके का परफॉर्मेंस आखिरी के मैचेस में करके आया हुआ है, मुझे लगता है कि अपने दम के ऊपर आपको जिताने में मदद कर सकता है। पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद बचे हुए दोनों ही मैचेस का परफॉर्मेंस जरा देखो, दोनों ही मैचेस में इसने बल्लेबाजी से काफी हाई लेवल का परफॉर्मेंस करके आया हुआ है। बल्लेबाजी में तीसरे पे आएगा प्लस नीदरलैंड की टीम के जीतने के भी चांसेस ज्यादा है, तो मैं आपको कहूंगा कि बी गोडली एक अच्छा प्लेयर आपके लिए रहेगा। मुजा अहमद जो कि बल्लेबाजी में ओपनिंग कर रहा है, जिसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है लेकिन इस सीजन में दो मैचेस खेला, दोनों ही मैचेस में फ्लॉप गया है। तो अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, अगर आप जीएल खेल रहे हो तो एनालिसिस इसका बहुत शानदार है। इसको आप अपनी तीन से चार जीएल की टीम में लेकर के चले ना, बाकी मैं स्मॉल लीग में लेकर के नहीं चल रहा हूं। उसके बाद स्टीव फ्लॉयड को लेकर के चलूंगा जो कि आपको बल्लेबाजी में भी ओपनिंग कर रहा है प्लस बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करेगा। तो इस मैच के लिए आपके लिए वन कैप फॉर्मूला स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी जगह के लिए नंबर वन प्लेयर रहेगा। आखिरी मैच हमें कुबेरा के डीओपिक में भी काफी अच्छी विनिंग कराने में मदद किया हुआ, जहां पे कोई भी नहीं रख रहा था। आगे के प्लेयर्स की बात करूंगा उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम सर्को ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि 100 जाने का लाइन पास जाने का जो भी मेरी फाइव टीम होगी वो मैं अपने टेलीग्राम सर्को पर ही सबसे पहले शेयर करूंगा। तो हमारे टेलीग्राम सर को ज्वाइन होना आपके मस्ट भी करने वाला, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो, क्योंकि वहीं पर मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केबीसी सभी चीजें 100 जाने का लाइन पास जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम सर का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखो मिल जाएगा, ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखो मिल जाएगा। वहां भी ना मिले तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च मार सकते हो। जैसे आप वहां पे सर्च मारोगे @RVD चैंपियन आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखो मिल जाएगा, वहीं पे मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केबीसी सभी चीजें 100 जाने का लाइन पास जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी टीम मैच जीत सकती है। यकीन मानो अगर आपका ये प्रेडिक्शन सही होगा तो 70% कॉन्टेस्ट आप ऐसे वन कर सकते हो। सबसे पहले बात करें नीदरलैंड की टीम के, तो नीदरलैंड की टीम ने इस सीजन में अपने तीन मैचेस के लिए तीनों ही मैचेस जीत करके आ रही है। वहीं स्वीडन की टीम ने इस सीजन में अपने दो मैचेस के लिए एक मैच जीत करके आ रही है, एक मैच हार करके आ रही है। यानी कि मैं आपको ये कहूंगा कहीं ना कहीं नीदरलैंड 11 की टीम के जीतने के 90% करीब चांसेस रहेंगे, तो इसके प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करके टीम बनाने वाले हैं। वहीं अगर मैं इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करूं तो इस जो मैच होने लिए आपको कैरदामा के ओवल के मैदान के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको आखिर के 6 मैचेस में 102 रन के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं आपको हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो भी टीम मैच जीतेगी उसके बॉलर्स को भी यहाँ पे मदद मिलने वाला है, ये चीज को फोकस करके चलना है। अगर नीदरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 110 के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वहीं अगर स्वीडन की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो मुझे लगता है आपको 90 के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। बात करें बचे हुए प्लेयर्स की, तो सबसे पहले देखो सियर अली जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, एक ऐसा प्लेयर जिसने सिर्फ और सिर्फ अगर 20 बॉल खेल लिया ना तो आपको 70 के करीब पॉइंट्स ला के चला जाएगा। कैसे, 20 बॉल पे कम से कम 3 या फिर 4 बॉल ऐसी जरूर होगी जिसमें छक्के मार के देगा, और 3 या फिर 4 बॉल ऐसी जरूर होगी जिसमें चौके मार के देगा। यानी कि 20 बॉल पे कम से कम यह 45 रन बना करके देगा ही देगा, बहुत तेजी से रन बना के दे सकता है। पहले मैच में 55 रन की पारी खेल के दिया हुआ था, दूसरे मैच में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। पहले मैच हमारा कैप था यानी मैंने अपनी टीम में कैप्टन बनाया हुआ था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया हुआ है। एक बार फिर से लेकर के चलूंगा बल्लेबाजी में ओपनिंग करने वाला है। उसका देखो दो ऐसे प्लेयर जिनका रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो, लेकिन इस सीजन में फ्लॉप गया। पहला नाम है ऐसे उमर नवाज और दूसरा है मुजा अहमद। मुजा अहमद जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, उमर नवाज जो कि बल्लेबाज में 4 नंबर पाएगा। ये दोनों ही प्लेयर्स का एनालिसिस काफी अच्छा है, दोनों ही प्लेयर्स का रिसेंटली जो एनालिसिस और रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, लेकिन इस सीजन में दोनों ही ने दो दो मैचेस खेले, दोनों ही फ्लॉप गया।
तो हो सकते कि आगे आने वाले मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। खासतौर पर उमर नवाज को आप लेकर के चल सकते हो अपनी 2-3 जीएल की टीम में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नीदरलैंड की टीम को जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो नीदरलैंड के आप किसी प्लेयर को लेना चाहते हो तो मुजा अहमद आपके लिए अच्छा प्लेयर रहेगा। मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा यहाँ से साकिब जुल्फीफर को, जो कि आपको बल्लेबाजी में भी 4-5 नंबर पर नजर आ जाएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके देगा। पहले मैच आप देख सकते हो परफॉर्मेंस अच्छा किया, दूसरे मैच फ्लॉप हुए, तीसरे मैच फिर से इसने परफॉर्मेंस अच्छा किया, तीसरे मैच में इसने बल्लेबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस किया और पहले मैच में इसने बॉलिंग से एक विकेट लिया हुआ था। यानी कि ओवरऑल आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों चीज करके देगा, तो कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस करके चला जाएगा। उसके बाद बात करें अपने विकेट कीपिंग सेक्शन है, तो बिना कोई रिस्क के लिए मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा एन सुल्तान को, जिसने पहले मैच हमें कुबेरा के दियो पिक में भी जिताया हुआ था। कुबेरा का दियो पिक है क्या, वहां पर 5 प्लेयर्स ही होते हैं, उनमें से किसी एक प्लेयर को चूज करके सेम नॉर्मल फैंटेसी की तरह एक प्लेयर को अपने पूरे पैसे लगाने होते हैं। वहां पर हमने अभी थी एन सुल्तान को लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ से एक और प्लेयर को लिया था जिसका नाम सियार अली, इसको भी पहले मैच को कुबेरा के दियो पिक में लिया हुआ था। आगे के प्लेयर्स की बात करूंगा उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, वीडियो टीम में करी इनिशियल टीम है जहां पे आपको एक डेमो टीम बना के दे रहा हूं एक एक प्लेयर का एनालिसिस सब बताने के लिए। बाकी अगर आपको इस मैच की हमारी 5 टीम से जिस टीम से खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाऊंगा, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर का ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर्वर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर्वर का ज्वाइन होना आपके लिए मस्ट बी करना, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो। उसके अलावा एक और चीज कहूंगा, अगर आप अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम सर को आपको इसलिए ज्वाइन होना क्योंकि वहां पर मैं आपको फ्री टीम शेयर करूंगा, जिस टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाऊंगा। लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। बात करें अपने बॉलिंग ऑप्शन है, तो नंबर 1 प्लेयर आप लेगा जिसका नाम जैद तेजस्वी, जिसने पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग किया जहां इसको 3 विकेट मिले, दूसरे मैच में भी अच्छी बॉलिंग किया जहां इसको 1 विकेट मिला हुआ है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, विकेट टेकर बॉलर है। हाल ही में जो 20 ओवर की सीरीज खेल करके आ रहे वहां पे मैन ऑफ द सीरीज रहा था, बॉलिंग के हिसाब से काफी अच्छी बॉलिंग करके आया हुआ था। उसके बाद यहां से लेकर के चलूंगा, देखो जैद जादरान का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, लेकिन 2 मैचेस के लिए दोनों मैचेस में इसने बॉलिंग किया ही नहीं। अब बॉलिंग जो है इसकी मेन है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा हर सीजन में कर रहा था, लेकिन इस सीजन में बॉलिंग कर नहीं रहा है। बल्लेबाजी में कहाँ आ रहा है, काफी नीचे आ रहा है, 6-7 नंबर करीब आ रहा है, यही रीजन है कि मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ। एल मोमन जिसनों को हमने अपनी टीम में पहले मैच लिया हुआ था, दूसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है, बाकी एक विकेट टेकर वाला बिल्कुल भी नहीं है। बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करेगा, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, पहला और तीसरा ओवर अक्सर ये बॉलिंग कर लेता है। मुझे लगता है इस मैच में फ्लॉप हो सकता है, ये चीज को फोकस करके चलना है अगर आप ग्रैनली की टीम बना रहे हो तो, फिर क्योंकि उतना अच्छा बॉलर है नहीं, बॉलर काफी अच्छा इकोनॉमिकल बॉलर है लेकिन विकेट इसको ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इस सीजन में इसने 2 मैचेस खेला और इसको 4 विकेट मिले हुए हैं, एक बार फिर से मैं लेकर के चलने वाला हूँ। इसके अलावा लेकर के चलूंगा देखो एस बरात को, जो कि आपको नीदरलैंड की टीम ओर से कैमेसी कर रहा है, बल्लेबाजी में 6 नंबर पर आ रहा है, प्लस बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करके दे रहा है। पहले मैच में बल्लेबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस किया, 33 रन की पारी खेल के दिया, दूसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, बॉलिंग से 2 विकेट मिल गया, तीसरे मैच में और भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तीनों मैचेस में इसका परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, तो लेकर के जरूर चलूंगा। वी किंगा को लूंगा जो कि बॉलिंग से ओपन तक करेगा, बड़े लेवल का बॉलर है, पहले मैच अच्छा परफॉर्मेंस करने का, दोनों ही मैचेस में फ्लॉप हुआ है, और आपको बता दूं नीदरलैंड की इंटरनेशनल टीम के लिए मैचेस खेल चुका है, बॉलिंग से ओपन तक करेगा, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है। अब इसके बाद आपके लिए कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं रहेगा। बात कर लेते हो अपने केवीसी के बारे में, जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, आखिरी के 6-7 महीनों से आपका पूरा पैसा जो है वो 11 चले जैसे आपको लगा रहे हो, इसका सबसे बड़ा रीजन है फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है आपको सबसे ज्यादा लो एंट्री फीस 11 चैलेंजेस भी देखो मिलेगा। यहाँ पर मेरे कहने पर आपने 1000 रुपए लगाओ बिना हारी आपके 100 रुपए बचा लोगे सिर्फ 80 फैंट्री फीस के रूप में, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो बिना हारी आपके 1,000 रुपए बचा लोगे सिर्फ 80 फैंट्री फीस के रूप में, उसके भी पर आपको 4-15% बीच बोनस के भी पैसे को यूज करने मिलेगा। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन देखो मिल जाएगा, जो अभी कभी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इस मैच के अंदर मैं भी अपने पूरे पैसे 11 चैलेंजेस पे लगाने वाला, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा यहीं पे खेला आपको भी जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैं भी मैं कैप यहां से सी फ्लॉइड के साथ जा रहा हूं, वीसी यहां से सोच रहा हूं कि चला जाऊं। देखो आप लोग एक अच्छा प्लेयर बन सकते हैं जिसका नाम जैद तेजस्वी, दूसरा अच्छा प्लेयर आप लोग बन सकते हैं जिसका नाम आपको यहां से देखने को मिलेगा सियार अली, इसके अलावा कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं अभी सियार अली के साथ जा रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस बता दिया, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो सुनकर लाइना पानी कर हमारे फाइव टीम
से और जिस टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगाऊंगा, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको 11 चैलेंजेस या फिर कुबेरा ऐप से लेकर के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिना कुछ सोचे हमारे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर देना। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखो मिल जाएगा। एक घंटे के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा। मुझे लगता है कि इस मैच से बी गोरली और यहाँ से सीआर अली में से कोई एक प्लेयर ऐसा जरूर होगा जो कि आपको लंबा पारी खेल के देगा, यानी कि मुझे लगता है 40 प्लस के इनिंग खेल के देने वाला है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच जय तेजस्वी आपको लेकर अच्छी बॉलिंग करके दे सकता है स्वेदन की तरफ से। लेकिन अगर मैं नीदरलैंड की टीम की बात करूं तो मुझे लगता है कि नीदरलैंड की तरफ से एक बार फिर से आपका इस बड़ा अच्छा करके दे सकता है बी गोरली और सी फ्लॉइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।